दोस्तों सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे सच्चे अनुभव पर आधारित एवं पर्दाफाश नाम से एक साधिका है, उन्होंने कुछ अनुभव और साथ ही साथ जो काफ़ी ज़्यादा उन्हें नाराज़गी है लोगों के कमेंट्स से, उस पर उन्होंने अपने कुछ बातें कही हैं। हालांकि उन्होंने इस पर ऑडियो भी मुझे भेजा था, लेकिन चूँकि यूट्यूब की गाइडलाइंस होती है, किसी को इस तरह से कहा नहीं जा सकता है, इसलिए मैं उनका ऑडियो प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग समझ जाएंगे कि कुछ गलत ना करें ताकि उनको किसी प्रकार से कोई किसी को भी हर्ट ना करे। केवल उनकी बात नहीं है, जो भी लोग अपनी बातों को कहते हैं उनको किसी भी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहिए, उससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है और साथ ही साथ आप अगर आपका कोई चैनल वगैरह भी है तो उस पर भी आपके संकट आ सकता है, इसलिए ऐसी कोई हरकत ना करें। तो पहले जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है और उन्होंने क्या चेतावनी दी है। पढ़ते हैं उनका पत्र। प्रणाम गुरुजी, जो भी मैं इस पत्र के माध्यम से बताने वाली हूँ वह एकदम सच है। यह पत्र लिखने का एक मोटिव है, कुछ लोगों को मदद कर सकूँ अपने अनुभवों के जरिए। इस वीडियो के द्वारा ये शायद इन्हें इनकी मुश्किल का जो है समाधान जिससे मिल सके। और गुरुजी कुछ बातें बताने वाली हैं ताकि कोई भी साधक साधिका एवं नॉर्मल पब्लिक के लोगों के साथ जो है ठगी ना कर सके। ये लोग हर पहलू को देखें और समझें, इसलिए पर्दाभास एपिसोड मैंने इसे कहा है। आपसे विनती है गुरुजी, हर बार की तरह सारी जानकारियां गुप्त रखिएगा और इन अनुभवों को प्रकाशित हो सके तो कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। चेतावनी गुरुजी, मैंने पिछली बार आपसे डांट कर कहने के लिए रिक्वेस्ट भी की थी, लेकिन आपने हर बार की तरह प्यार से ही कहा, तो मैंने जो ऑडियो भेजी है कृपया उसे चला दीजिएगा, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। लेकिन मैंने वो ऑडियो नहीं चलाई है क्योंकि ये कम्युनिटी गाइडेंस के खिलाफ होता है ये चीज़, इसलिए मैं आपको वो नहीं सुना रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो समझने वाले हैं वो समझ जाएंगे और आपको मैंने बता ही दिया है कि क्यों ऐसा मैंने किया है। अब आपके अनुभवों को ले लेते हैं। दादी पर मूठ का प्रयोग, पहला अनुभव बता रही हैं आप। यह अनुभव दादी जी का है जो मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था। मैं नहीं जानती कि कब की बात है, लेकिन काफ़ी साल पहले जब दादी जी की ज़्यादा एज नहीं थी, मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब किसी ने दादी पर मूठ का प्रयोग कर दिया था। तो फिर जब उन्हें किसी तरह पता किया होगा कि क्या है, तो बताया गया कि दादी गंभीर संकट में है। तो किसी जानकार ने मूठ को वापस भेज दिया, जिससे दादी पर से संकट टल गया, लेकिन जिस व्यक्ति ने दादी पर प्रयोग किया था वह जरूर मारा गया था। मूठ को लेकर के झूठ, मेरी एक सहेली ने मुझे यह बात बताई थी। इस लड़की ने मुझसे कई बार झूठ कहे और 16 साल की बचपन की दोस्ती में मुझसे अपना मतलब निकल गया और 16 साल की दोस्ती तोड़ दी। इस लड़की के बारे में गुरुजी आपको मैं बता ही चुकी हूँ, अगर आपको याद हो। हाँ मुझे याद है, आपने बताया था इसके बारे में। तो अनुभव या झूठ जो ये है कि गुरुजी उस लड़की के घर में 3 ही लोग हैं, वह उस लड़की की माँ और उसका बड़ा भाई। इसने बताया था कि एक बार वह और उसका भाई हाल में आगे सो रहे थे, दोनों भाई बहन गहरी नींद में थे, तो फिर अचानक किसी ने दरवाजे पर तेज लात मारी तो वो लोग डर कर उठ गए, फिर वह लोग फिर से सो गए। दोबारा यही चीज़ घटित हुई, फिर उनकी माँ हॉल में सो गई और दोनों भाई बहन अंदर सो गए। फिर 5 बजे रात को भी यही हुआ था, उनकी माँ ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस आई तो पुलिस वालों ने देखा कि दरवाजे के बाहर 10 नंबर या नंबर 11 के जूते का निशान बना हुआ था, बस वही दिखा और कुछ नहीं, सबके दरवाजे बंद थे बिल्डिंग में। फिर पुलिस चली गई थी। उस लड़की ने मुझे यह घटना बताई। नेक्स्ट डे मैंने कहा दरवाजे पर हनुमान जी की फ़ोटो लगा दो, कोई जिन वगैरह भूत वगैरह होगा तो नहीं करेगा, और घर में हनुमान चालीसा भी तुम लोग चलाया करो। फिर वह बोली कि उसकी माँ किसी बाबा से पूछकर आई थी, तो उस बाबा ने बताया किसी ने उन लोगों को मारने के लिए मूठ भेजा था। गुरुजी 2015 की बात है ये सारी, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। तो गुरुजी मेरे तो गुरुजी भी मेरे जो है उस समय आप नहीं मिले थे और मैंने अपने गुरुजी को यह बातें बताई जो इस लड़की को बताया गया था, तो सुनकर वह सिर्फ इतना बोले हट, यानी कि सिर्फ हट बोल के उन्होंने इस बात को कह दिया कि ये मतलब सही नहीं है। गुरुजी आपको याद होगा मैंने अक्टूबर 2018 में एक अनुभव आपको बताया था, तो उसी अनुभव से मुझे यह सीख मिली थी कि
जो शक्तियाँ घर के अंदर चली जाती हैं वो ताला भी लगा लो। तो मैंने सोचा कि किसी ने इनके पीछे अगर मूड भेजा होगा तो आप मूड क्या दरवाज़ा ठोक कर आएगा या पूछ कर आएगा, हेलो शर्मा जी घर में हो क्या, तो क्या रिश्तेदार हैं जो दरवाज़ा खोलेंगे और ठोकेंगे। इस बात का पर्दाफाश ये है कि तो इस लड़की ने जो कहा था मुझसे वो झूठ बोला था, या तो जिस बाबा के पास से इसकी माँ आई थी उसने झूठ बोला होगा। यदि आप लोगों को कोई इस तरह की बात बताए तो आप लोग सावधान रहिए, ये सच नहीं है। पीर बाबा की नाराज़गी, दूसरी घटना। यह अनुभव किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, इस अनुभव के जरिए कामनी जी की हेल्प करना चाहती हूँ। यह अनुभव दादी ने बताया था, उनके ही किसी परिचित का होगा। यह अनुभव एक परिवार का है, तो परिवार में हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। इन लोगों ने शायद कुछ खुदाई करवाई थी तो कुछ कब्र टाइप का या मज़ार नुमा कोई चीज़ निकली होगी, शायद अज्ञानतावश उसको उन्होंने तोड़ दिया, वह शायद किसी पीर बाबा की होगी। फिर गुरुजी कुछ ही दिनों के बाद उनके घर में अकस्मात दोनों बेटियों की मृत्यु हो गई। तो जब बाद में उन्होंने सच्चाई जानी तो पाया कि धोखे से बाबा की उन्होंने जो है जो मज़ार तोड़ दी थी, इसकी वजह से उनको सज़ा मिली है। तो कामनी जी के लिए 2 शब्द, मैंने आपकी बातें पढ़ी थी तो आपने कहा था कि कोई जिन तो आपके पीछे नहीं पड़ा हो कभी जो आपके साथ ये हो गया। देखिए ऐसा अगर होता तो वह आपके साथ गलत कर देता, आपसे शादी ही कर लेता या आपको अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाता। आपको खंडर नुमा जगह दिखी तो मुझे यह लगता है कि कहीं भूलवश आपसे किसी पीर फकीर का अपमान तो नहीं हो गया, इसके कारण शायद और स्वप्न में ऐसी खंडर की जगह दुखी होगी। तो आप किसी ऐसे इंसान को खोजिए जिस पर पीर बाबा की कृपा हो, तो वही आपको बता पाएंगे कि आखिर मामला क्या है, उस सपने का मतलब क्या है। तीसरा उन्होंने भेजा है कि रजिया बेगम अप्सरा। गुरुजी आप सुनकर चौंक गए होंगे कि मैंने क्या लिख दिया और लोगों ने क्या सुन लिया। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक समझा है, एक चैनल पर यही लिखा था पर्दाफाश। सच तो यह है कि इस दुनिया में बेगम भूतनी है, अप्सरा नहीं है। यूट्यूब पर कुछ लोग गलत जानकारी देते हैं, ये भूतनी कितनी खतरनाक है ये आप लोग जान गए होंगे। तो जो नए साधक साधिकाएं हैं वह YouTube देखकर साधना स्टार्ट ना करें, वह किसी भी चैनल पर दी गई साधना की पड़ताल करें, किसी भी अच्छे गुरु से फिर ही कोई कदम उठाइए। चौथा है पवित्र जिन। गुरुजी मैंने अपने पिछले अनुभव में आपसे कुछ पूछा था तो आपने कहा था कि कोई पवित्र जिन की साधना कर सकते हैं। मैंने गुरुजी इस तरह से जिन का पता लगाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे कहाँ से की होगी। तो गुरुजी मुझे जवाब मिला कि ऐसा कोई भी जिन नहीं होता। पूजा जी को जवाब, आंटी जी आप बार बार गुरुजी से ऐसे जिन की विधि मांगती हो, आप लोग एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि इस तरह का कोई जिन नहीं होता है। जिन लड़कियों के लिए नहीं होते हैं तो यह इरादा दिल से निकाल दो, दिल मतलब लड़कियों के लिए ये जिन जो होते हैं नेक नहीं होते हैं प्लीज़, क्योंकि ऐसी ज़िंदगी नर से बुरी वो कर देगा आपकी। आप जब धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो यक्षिणी की साधना कर सकती हैं। गुरुजी से दिल की बात। गुरुजी यह मेरा अंतिम अनुभव है क्योंकि लोग काफ़ी बदतमीज हैं और मेरे पास और भी बातें हैं जिन पर मैं पर्दा उठाना था, लेकिन लोगों ने मुझको मजबूर कर दिया। तो ज्ञान मैंने अनुभव से पाया है, यह जो आप गुरुजी से लिया है मैं खुद तक ही सीमित रखूं, इसलिए जो भी अनुभव होंगे वह आपके लिए होंगे, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मदद या सलाह मैं उन लोगों की करती हूँ जो मुझे बुरा नहीं कहते या बुरा नहीं सोचते हैं। यह मेरी ज़िंदगी का उसूल बन गया है और मैं जिन्हों से रिलेटेड नई बातों का और ज्ञान लोगों को नहीं दूंगी, यह लोग इस लायक नहीं हैं। कुछ गलत लोग भी बैठकर वीडियो देखते हैं, मैं नहीं चाहती हूं कि यह लोग भी यह जानकारी हासिल करें। और यह पत्र लिखते हुए मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मैं बता नहीं सकती। प्रश्न, आप इन घटिया लोगों को सहन कैसे कर लेते हो। आगे आपने लिखा है कि गुरुजी अगर कोई इंसान की भावों के बीच दर्द हो या हेडेक हो बैठ जाए तो इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों होता है, वहाँ पर आज्ञा चक्र होता है और किसी मंत्र को जपने से ये हो तो इसका क्या अर्थ है, प्लीज़ प्रकाश डालिए। घटिया लोग ध्यान से सुने, कुछ घटिया लोगों को निवेदन है कि ऑडियो को ध्यान से सुन लें और मेरी बातों पर अपने रोम रोम में बैठा लें, बेइज्जती नहीं करवानी हो तो आगे ऐसी हरकत ना करें। कभी किसी लड़की को अंडर एस्टिमेट मत करना, माता दुर्गा को भी असुर लोग करते थे, फिर अंजाम जो हुआ वो सभी जानते हैं। तुम लोगों के भी नाम के आगे नर्कवासी ही लगेगा, क्योंकि स्वर्ग पाने वाले हरकतें तो नहीं नर्क जाने की हरकतें करते हो तुम लोग। तो ये है इनके अनुभव, साथ ही साथ गुस्सा भी इन्होंने दिखाया है। मैंने वो ऑडियो प्रकाशित नहीं किया है क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, इस वजह से लोगों को
बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता था उनके ऊपर। और ये YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ भी होता है कि आप किसी को इस तरह से एक मुख्य माध्यम से नहीं कहा जा सकता, किसी को इस तरह से नहीं कह सकते। लेकिन वो लोग समझ ही गए होंगे कि किसी को गलत मत कहिए, क्यों गलत कहेंगे। तो आप किसी को नहीं गलत कहते हो, स्वयं को ही गलत कहते हो। आपको ये नहीं पता है कि जो ब्रह्म सत्य है उसके आधार पर समस्त ब्रह्मांड एक है, और इसकी वजह से अगर कोई कुछ गलत कहता है, बोलता है, तो स्वयं के लिए ही गलत कहता है, गलत बोलता है। यही सच्चाई है। इस सत्य को समझने के लिए बहुत गहराई से जब आप मेडिटेशन करेंगे या बहुत ज़्यादा साधना कर लेंगे, तब आप इन रहस्यों को समझ पाएंगे। इसीलिए जो कोई किसी को कुछ कहता है या किसी के लिए कहा जाता है, तो उस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे मैं बिल्कुल भी नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो अपनी अज्ञानता से ऐसा कह रहा है, और उस अज्ञान के कारण वो अपना ही विनाश कर रहा है। क्योंकि मुँह से निकला हुआ गलत शब्द, उसका तो विनाश करना ही करना है, क्योंकि संसार में हर एक चीज़ वापस आती ही आती है। तो वो आपकी कही हुई गाली, गलत शब्द, गलत चीज़ें सब आपके लिए ही आएंगे, इसलिए वो आपका ही नुकसान करने वाले हैं भविष्य में। वैसे भी जैसा आप व्यवहार आप दूसरों के साथ करते हो, स्वयं के लिए भी वही व्यवहार या चीज़ें स्वयं घटित होने लगती है अपने आप ही। इसलिए हम तो सबको भाई मानते हैं, और भाई एक दूसरे से रक्त से संबंधी होते हैं, जुड़े होते हैं। मनुष्यों में एक ही प्रकार का रक्त बहता है, इसीलिए सब एक जैसे ही हैं, सब समान हैं, बराबर हैं, और कोई किसी से ऊंचा या बड़ा नहीं है। आप अपने कर्मों से कोई अपने आप को इतना नीचे गिरा ले कि पशुओं की, शूकर की, कुकर की जो है योनियों में जाए, तो यह उसकी गलती है, हमारी तो गलती नहीं है। इसलिए अपने आप को उनके लेवल पर नहीं ले जाना है जो लोग गलत करते हैं या गलत कहते हैं या गलत करना चाहते हैं। हमको अपने लेवल पर रहना है। हमारा लेवल देवताओं और देवताओं से भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हम माँ की शरण में हैं, हम उनके लेवल पर नहीं जा सकते। और जो लोग अपना लेवल जानवरों की तरह, क्योंकि वही पशु कहते हैं ना, वही पशु प्रवृत्ति की जो आप ही चरे, जो आप अपने लिए ही चरता है, अपने लिए ही खाता है, अपने लिए ज़िंदगी जीता है, वो पशु ही होता है। और पशु का जीवन कैसा होता है, उसके जीवन में मार काट होती है, उसके जीवन में हर चीज़ के लिए संघर्ष होता है, वो दूसरों को एक हाँक भाता नहीं है, कुत्ते के लिए लड़ते हैं, इसीलिए क्योंकि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं दूसरे को जीत कर। और ये सोच ही बुरी तरह से गलत है, क्योंकि ये पशु योनि में ले जाने वाली सोच है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने जीवन को उत्तम बनाइए, उत्तम विचारों से अपने आप को भरिए, जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए। ये मत करिए कि आप जो है दूसरों को पीछे खींच करके स्वयं को आगे बढ़ाएं, कभी भी नहीं ऐसा करना चाहिए। दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख करके अपने अंदर उतनी ऊर्जा पैदा करनी चाहिए ताकि आप और भी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। दुनिया आपको स्वयं ही नमन करने लग जाएगी। कभी भी किसी को पीछे खींच कर अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको भी पीछे खींचने वाला अवश्य ही आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए उनके मन में काफ़ी ज़्यादा क्रोध और गुस्सा था, उसको मैंने उस ऑडियो को प्रकाशित नहीं किया है। और ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि उनको किसी तरह से परेशान मत कीजिए, क्योंकि वो इस बात से दुखी हो जाती हैं कि जब उन्हें कुछ बताने की इच्छा हो या किसी को भी कोई बताने की इच्छा हो, और दूसरे लोग उसका मजाक बनाएं या उनको कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करें उनके लिए। मेरे लिए तो लोग शुरू में बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अब संख्या बिल्कुल न्यूनतम हो गई है। कोई चैनल पर नया व्यक्ति आता है, केवल वही कुछ गलत कह सकता है, पुराने लोग तो सब जान चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए वो लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। तो अगर आपको इनका वीडियो और ये अनुभव पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।